नागपुर शहर के सकदरा चौक पर मंगलवार को हुए अपघात में एक नाबालिग लड़की के साथ एक व्यक्ति जख्मी हुए हैं। मंगलवार को सुबह शहर के सकदरा चौक में एक बुलेरो ने दो वाहनों में टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 साल की लड़की और एक व्यक्ति जख्मी हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सकदरा चौक पर सिग्नल जंप करते हुए ये हादसा हुआ है। दोनों सिग्नल जंप करने के बाद उमरेड रोड से आ रही बुलेरो ने टक्कर मार दी। दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल किया है। आगे की जाँच चल रही है। मेरा नाम हरीश पनिया है, मैं यहाँ चौक पे खड़ा था। ये गाड़ी वाली लड़की स्कूल कॉलेज की लड़की है, ये यहाँ से क्रॉस कर रही थी। इसका सिग्नल बंद था गाड़ी वाले का, उसके बावजूद इसने यहाँ से क्रॉस करते हुए क्या दो जनों को जख्मी किया। लड़की क्रिटिकल है, लड़की की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उसको चौधरी हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उसका नंबर मैंने भी यहाँ बायफरगेट किया हूँ। तो ये अरुणा चौधरी के नाम से बता रहा है, ये अरुणा चौधरी के नाम से। लड़की की हालत बहुत गंभीर है, लड़के का नॉर्मल है, उसको एडमिट किया है, वो भी गंभीर है। चौधरी हॉस्पिटल में भेजे अभी हमने ऑटो में डाल के। ये पूरी रॉन्ग साइड से आ रही थी है, इन्होंने सिग्नल जंप किया ये गाड़ी वाले ने, और गाड़ी वाले ने जैसे ठोका गाड़ी में, गाड़ी फंसने से वो भाग गया, चाबी छोड़ के गाड़ी छोड़ के भाग गया वो। और यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, ऑटो वालों को हाथ दिखा रहे, कोई दिखा रहे, कोई प्रशासन साथ दे नहीं रहा है। जबरदस्ती उनको व्यवस्था करा के भिजवा दिया है हमने अभी दवाखाने में, आगे का पता नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।